देखते हैं आज की फटाफट खबरें। नई उम्र के लड़कों ने माँ वैष्णो देवी संस्था का गठन किया है। संस्था का गठन करने के बाद नवयुवकों ने बड़ी संख्या में लोगों को राशन किट भी उपलब्ध कराई है। नवयुवकों द्वारा बनाई गई माँ वैष्णो देवी संस्था ने बिना राशन कार्ड वालों को करीब एक महीने का राशन दिया। इसमें आटा, चावल, तेल, मसाले, साबुन, सब्जियां शामिल थी। 1 जून से रेलवे के द्वारा 200 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन होगा। इसके अलावा अन्य ट्रेनों को भी भविष्य में चालू करने की तैयारी की जा रही है। खाने पीने के लिए स्टेशनों पर स्टॉल भी खोले जाएंगे। धन की कमी के चलते रेलवे के सामने रिफंड करने की दिक्कत आ रही थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने फंड उपलब्ध करा दिया है। इसके चलते कोई भी रेल यात्री अपना टिकट कैंसिल कराकर रिफंड ले सकता है। ट्रेनें चलेंगी, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यही वजह है कि रेलवे पूरी एहतियात बरतने की तैयारी में है। हर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, इसके बाद ही प्रवेश मिलेगा। हर विभाग को थर्मल गन दी जाएगी।